हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता कि आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम राजकुमार लोहार है और दोस्तों अभी टाइम हुआ है 8:10, ठीक है। मैं अभी जस्ट उठा हूँ और दोस्तों आज का वीडियो बहुत धांसू होने वाला है, ठीक है, और बहुत डेंजरस भी। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। आज का वीडियो हम ऐसा दिखाने वाला हूँ आज का ब्लॉग में कि आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। आज का ब्लॉग बहुत डेंजर होने वाला है दोस्तों, ठीक है, और बहुत धांसू भी होने वाला है। और अभी सबसे पहले मैं ब्रश करूँगा, ठीक है, ब्रश करने वाला हूँ। उसके बाद मैं शुरू करेंगे ब्लॉगिंग, ठीक है दोस्तों। अभी ब्रश करेंगे, ठीक है, अभी उठाया, अभी तो ब्रश करेंगे पहले दोस्तों। अभी ब्रश भी हो गया अभी, ठीक है, अभी चाय पियेंगे। चाय अभी मेरा वाइफ दीपा जी लेके आ रही है, नाना ले रहा हूँ, ये देखिए चाय लेके आई है, थैंक यू। ठीक है, अभी मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद मैं आएगा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दीपा जी है, अभी दीपा जी कहीं जा रही है, वो अभी उनका गुट है तो गुट में आज मीटिंग है, ठीक है ना, तो मीटिंग में जा रही है, अभी रेडी होके अभी वो निकल रही है और मैं अपना काम करने वाला हूँ अभी इधर में, ठीक है दोस्तों। अभी चाय पीऊँगा, उसके बाद आएगा प्रोसेस करूँगा, ठीक है, चलो बाय। दोस्तों मैं आप लोगों को आज ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिए और मेरा चैनल राजकुमार लोहार ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ मेरा सुअर का प्यारा सा घर, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा सा घर बनाया हमने, ये देखिए इतना प्यारा घर बना दिया हम सुअर के लिए। देखिए ये इसलिए बनाया है कि इधर में बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से आते हैं, अभी बारिश का मौसम है तो सुअर का अगर नीचे ज़मीन पे बनेगा ना तो कीचड़ कीचड़ होता है, तो बेचारा कीचड़ में कैसे रहेंगे, तो बीमार हो जाते हैं। इसका चलते हमने इसको घर बना दिया है, देखिए ऐसा डिजाइन से बना दिया हमने घर। अभी मेरा प्यारा सा सुअर सो रहा है, देखिए इतना प्यार से सो रहा है, देखिए ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कितना मेहनत से बनाया है ये घर। देखिए ये घर बनाने के लिए हमको पूरा 2 दिन लगा है, ठीक है, ये देखिए पूरा 2 दिन लगा है। और इधर में क्या है, अभी बहुत तेज़ धूप लग रहा है, अभी धूप का मौसम है अभी, और हमने और 2 सुअर लिया है, देखिए हमने और 2 सुअर लिया है, सुअर का बच्चा है, देखिए छोटा छोटा प्यारा सा बच्चा है, ये देखिए ये एक लिया है और एक वो लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। आजा बाबू आजा, अरे बाबू आजा, वोई, वोई। ये देखिए 2 सुअर का बच्चा लिया और हमने, ठीक है, ये लगा के 3 हो गया अभी, तो ये दोनों के लिए मैं अच्छा वाला घर बनाऊंगा बाद में। अभी फिलहाल अभी ऐसे ही बना है इसमें, अभी 2 दिन हुआ लिया वाला, ठीक है। ये देखिए आप लोग तो देख ही लिया है कि हमारा प्यारा सा सुअर का घर। देखिए अगर आप लोगों को भी अगर बस्ती में अगर बनाने का है घर सुअर के लिए तो ऐसा घर बनाने का, ठीक है, बहुत अच्छा होगा ऐसा। देखिए अगर बारिश भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये एकदम सेफ में रहेगा, ठीक है, बारिश भी हो चाहे कुछ भी हो। देखिए कितना प्यारा घर बना दिया है। और देखिए दोस्तों ये हमारी ज़मीन है, देखिए यहाँ से लेके इतना, वो जो उधर उधर दिख रहा ना, वो जो देखिए यहाँ से लेके इतना, ये सब हमारी ज़मीन है। देखिए ये है हमारा, ये सुअर का घर है, ये बॉर्डर है इधर से लेके यहाँ से लेके और यहाँ से लेके ऐसा लेके, देखिए ये फूल लगाया हुआ, देखिए आप लोग देख सकते हैं ये सुपारी का घास है हमारा, और ये देखिए ये फूल है, और ये देखिए हमने इसमें एक नारियल का पुली ले आया था गोवा से, ये और उधर में और एक है, देखिए और ये एक है और उधर में एक बड़ा सा हो गया, देखिए वो भी दिखाऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है। और ये देखिए जो फूल लगाया हुआ है ना, ये बॉर्डर है हमारा, बोलते हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग सीमाना बोलते हैं, ये सीमाना है, देखिए ये बॉर्डर बोलते हैं इसको, देखिए ये बॉर्डर है,
ये सुपारी का गाछ, ये बड़ा सा, ये यहाँ से इतना सा लेके वो सीधा वो गाछी तक, देखिए इधर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके इधर, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके ये जो बॉर्डर है, देखिए बॉर्डर से लेके ये देखिए पूरा बॉर्डर है। और ये बड़ा सा गाछी है, ये गाछी से लेके इधर वो नारियल का पेड़ है, दिख रहा है देखिए, और यहाँ से लेके ऐसा, और वो जो सुअर का घर है वहाँ से इतना, ये सब हमारी ज़मीन है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से लेके ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर से लेके उधर ये जंगल जो दिख रहा है, ये हमारा भैया का ज़मीन है, भैया और दोनों भैया का और छोटा वाला भाई का, वो साइड का है, ठीक है। और ये हमारा जो है इधर में, देखिए हमने ये पहले भी दवा मारा था इसमें, दवा वो जंगल मरने वाला दवा डाल दिया था, तो थोड़ा कुछ मर गया है, अभी थोड़ा थोड़ा बचा है, तो इसको भी आज दवा मारने वाला है। वो झाड़ पूरा जितना भी जंगल है ना सब मर जाएगा। इसको देखिए काल मैंने साफ किया है, इसको सब इसको काट काट के सब तलवार से काटा है, काट काट के सब मर गया है। अभी देखिए बहुत मारा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, सब इसको काट दिया है हमने, काट काट के अभी बहुत कुछ कम हुआ है। और जो हरा हरा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें, तो इसमें अभी दवाई छिटने वाला है हम, ठीक है। ये देखिए नारियल का झाड़, ये हमने गोवा से लेके आया था, अभी 4 साल हुआ ये लाया वाला, अभी देखिए इतना बड़ा हो गया, अभी इसको इतना बड़ा झाड़ हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ से अभी ये जो दिख रहा है ना हरा हरा, इसमें अभी हम दवाई छिटेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके इतना, ये देखिए ये सब हमारा ये ज़मीन, ठीक है। और इसमें देखिए पूरा जंगल हो गया, पहले भी हमने एक बार दवा छिटा था इसका ऊपर, तो बहुत जंगल मर गया है, अभी थोड़ा कुछ बचा है, तो आज बहुत तेज़ धूप लगा हुआ है, तो मैं आज और एक बार दवा छिटता हूँ इसमें, ठीक है। और दवा कैसे छिटेगा वो भी दिखाएंगे मैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरे पास दवा मारने के लिए एक टैंक है मेरे पास, और देखिए हमने देखा है दवा बहुत डेंजरस दवा है, ठीक है। अब ये दवा है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ग्लाइसिन बुक लिखा है, ठीक है। इसे हमने पहले में भी एक बार मारा था हमने जंगल में, अपने ज़मीन पे मारा था, वो बहुत बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा जंगल हो गया था, तो उसमें हमने मार दिया था, अभी पूरा मर गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं अभी और एक लेके आया है हमने, तो इसको भी आज मारेंगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, हाथ में हैंड ग्लो ढाला है, इसके बारे में हमको उतना मालूम नहीं है, तो फिर भी हमने हैंड ग्लो ढाला है अभी अपना सुरक्षित के लिए, ठीक है। तो हम अब इसको नया, देखिए हमने खोला भी नहीं इसको, न्यूज़ देख है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसको पहले खोलेंगे, तो हम पहले सबसे पहले हम इसको मुंह बांधते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों हमने मुंह बांध दिया है, माध्यम से इसको खेला कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको दो ढक्कन डालते हैं, देखिए एक ढक्कन डाल दिया है और एक ढक्कन डालेंगे, देखिए दोस्तों हमने दो ढक्कन दवा ढाला है और पानी हमने बस इतने तक ढाला है, आप लोग देख सकते हैं, हम इसको लेके जाएंगे। देखिए दोस्तों अभी हम मारेंगे दवा, ठीक है, देखिए अभी इसको हम दवा मारेंगे, देखिए दोस्तों अभी ये सब जितना ज़मीन है ना सब में हम दवा मारने वाला हूँ आज, ठीक है। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा भी दवा थोड़ा थोड़ा भी रहेगा ना जंगल, तो झाड़ सब मर जाएगा अभी,
थोड़ा भी रहेगा तो सब मर जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको पंप देना होता है, इसको देखिए, इसे पंप मारेगा तभी इसको प्रेशर का वजह से दवा आएगा। देखिए पंप दिया रहा तो पूरा देखिए दोस्तों, इधर है पूरा जंगल है, इतना बड़ा बड़ा जंगल है, अभी ये दवा मारा ना सब मर जाएगा। अभी देखिए पूरा जंगल हो गया, इसको अभी एक बार दवा मार दिया तो सब मर जाएगा। दोस्तों अब जैसे हमने एक टैंक दवा भर के लेके आया था तो ख़त्म हो गया अभी, ठीक है। अब फिर नया एक डब्बा और भर के लेके आएंगे। अब थोड़ा सा बचा है, अब देख सकते हैं थोड़ा सा बचा है अभी, तो थोड़ा मार देगा और एक बार और एक टैंक भर के लेके आता, ठीक है। दोस्तों अभी हम थोड़ा घर का आगे का थोड़ा घर का आगे में थोड़ा जंगल निकल गया बारिश के वजह से, ठीक है। अब उसमें थोड़ा और दवा मारेंगे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अभी आगे में, अब इधर मारेंगे थोड़ा, ये हमारा घर का आगे है, इसमें थोड़ा मारेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पानी का नल आ गया अभी, ये गवर्नमेंट का तरफ से आया है, गवर्नमेंट का तरफ से, ठीक है। अभी बोल रहे हैं अभी 10-15 दिन के बाद आ जाएगा पानी बोल के बोला है, ठीक है। अभी देखते हैं कब तक आ जाता है पानी। दोस्तों ये दिख रहा है ना, ये जो हमारा भैया और भाभी लोग का घर है, ठीक है ना। और देखिए बारिश की वजह से इधर में भी बहुत ज़्यादा जंगल हो गया, देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरा जंगल जंगल हो गया अभी ये भी। तो इधर में रास्ते भी थोड़ा मारने वाले अभी हम, ठीक है। अभी पूरा जंगल जंगल निकल गया, देखिए अभी बारिश का मौसम था इसलिए ज़्यादा जंगल हो गया। तो अभी 2 दिन हो गया, अभी थोड़ा धूप लगा हुआ है इधर, तो अभी धूप आया बोल के हमने अभी दवा मार रहा है, ठीक है। इधर भी थोड़ा मार देंगे अभी। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अभी गर्मी का वैसे अभी तो दवा और तो डालेंगे, ठीक है। दोस्तों अभी हमारा दवा ढाल के ख़त्म हो गया, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी नहाएंगे फटाफट, हमको नहाना पड़ेगा नहीं तो बाद में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम पहले फटाफट नहाता है अभी, ठीक है। ठंडा ठंडा पानी, वाह ठंडा पानी, कितना मज़ा। वाह बेटी मोटर चालू करो, मोटर मोटर चालू करो। अरे लाइट चला गया बोलता दोस्तों, नहीं तो अभी मोटर चालू होता ना तो ठंडा ठंडा पानी आता था। चालू करके रखो, हमारे पास ट्रेस्मी का अभी शैम्पू है, शैम्पू डालेंगे, शैम्पू डाल के अभी नहाएंगे, ठीक है।
अभी दवा डाल के हमने काम किया ना दवा के साथ में, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कुछ भी हो सकता है। टाटा बाय बाय।